Hey guys, good morning. Welcome back to Mommy and Flurry Tale. Good morning. Good morning, Mampu. Good morning, Kyukyu. फुल फैमिली मिलके हम कहाँ जा रहे हैं? जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आप सबको कि कियारा के बर्थडे के हर एक प्रिपरेशन पार्ट आपसे शेयर करूंगी, तो आज हम लोग जा रहे हैं दोनों को लेके कोलकाता में एक नए स्पा में। एक्चुअली आप लोगों को जैसे पता है, जब से हम कलकत्ता आए हैं एक बार भी दोनों को कहीं प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए नहीं लेके गए हैं, घर पे ग्रूम कर रहे थे। एक तो हम एक अच्छा जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे लेके जा सकते हैं, तो उसके बाद बहुत सारे रिव्यूज पढ़ने के बाद, उनसे बात करने के बाद, तीन चार जगह पे बात करने के बाद लगा कि यहाँ पे जाना मुझे थोड़ा कन्विंसिंग लगा इनके साथ बात करके। तो वी आर गोइंग टू अ स्पा नेम्ड पिंक पॉज विच इज इन सॉल्ट लेक विधाननगर सेक्टर वन। पहली बार जा रहे हैं, फोन पे बात हुआ है। लरी लास्ट 5 ईयर से और कियारा लास्ट 2 ईयर से किसी दूसरे ग्रूमर के साथ यूज टू है, तो नए जगह पे ऑफकोर्स दोनों एंशियस होंगे। वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी देयर बिकॉज हमें भी नहीं पता यहाँ पे कैसे ग्रूमिंग होता है, सो कोई मैल हैंडलिंग ना हो वो इंश्योर करने के लिए हम वहाँ पे रिक्वेस्ट किए कि हम रहेंगे, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। शूट करने देंगे कि ये नहीं पता, तो देखते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट है कि कियारा के बर्थडे से पहले दोनों को एक अच्छा सा स्पा ट्रीटमेंट मिले, एक अच्छा सा हेयर कट मिले, एक अच्छा अच्छा स्पा लेने जा रहे हैं आज बेबीज। आप लोग भी हमारे साथ चलिए, और जैसे मुझे देख के आपको समझ में आ रहा है कोलकाता में ठंड पड़ गया है अच्छा खासा, बट दीपांजन को देख के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आने के बाद उतनी ठंड नहीं लगती है, जैसे कभी हल्का का धूप भी आ रही है तो अच्छा। जो कलकत्ता में जो पेट पेरेंट्स है उनके लिए मैं डिटेल्स शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे कहीं पे, तो शेयर कर दूंगी। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक के परसेप्शन, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक के एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो मैं जरूर शेयर करूंगी मेरा ऑनेस्ट फीडबैक, जैसे मैं हमेशा शेयर करती हूँ शेयर करूंगी। क्योंकि मैंने पहले जो ग्रूमिंग पार्लर जहाँ पे मैं लेके जाती हूँ वो शेयर किया था, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ओवर प्राइज्ड है, ये वो है, बट क्या होता है कि वो क्योंकि हम वहाँ पे इतने सालों से जाते हैं तो हमें लगता है कि जो प्राइस वो लेते हैं उसका जो सर्विस हमें मिलता है वी आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। अब कहीं पे चेंज करने की भी हमने कोशिश किए हैं, पैसा कुछ कम नहीं होता है, बट हाँ बच्चे थोड़े से एंशियस होते हैं, तो इसलिए वी स्टिक टू 1 पर्सन। कलकत्ता में पहला एक्सपीरियंस बच्चों को ग्रूम करने का, होपफुली सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा थोड़ा टेंशन है और एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। बैंगलोर में हम दो जगह पे जाते हैं, so we know how it works. We have never been in Kolkata for grooming, so it's not only just that we are going to a new grooming parlor, but ये ऐसा भी है कि पहले बार grooming होगा, तो इसलिए थोड़ा वो anxiousness है कि यहाँ पे कैसे होता है क्या होता है। so this is going to be a completely new experience जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। let's go weekends पे जब हम आते थे तो यहाँ पे एकदम zoom हो जाता था, आज तो लग रहा है लग गई हमारी, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक दिख रहा है। आज है 24 दिसंबर, दीपांजन ने आज छुट्टी लिया है क्योंकि उसको लगा था 25th फ्राइडे है, तो हो सकता है कि हम 4 दिन के लिए कहीं जाए या कुछ करे, इसके लिए वो आज का दिन छुट्टी लेके रखा था। हम जा कहीं नहीं जा रहे, वो अलग बात है। सारी साहब सुन रही है, देख रहे हो कैसे बैठ के सब सुन रही है हमारी बातें। पहुंच गए हैं हम लोग, बस 10 मिनट लेट हुए हैं। शर्म आनी चाहिए, शाम से तुम्हारा सर झुक जा, हाँ बस अब सही है। एनीवेज यहाँ पे लेफ्ट साइड में है स्पा, एक्चुअली एक है स्टोर पिंक पॉज स्टोर, उसके साथ यहाँ पे है स्पा, और ये सॉल्ट लेक PNB के बहुत पास है। कोलकाता पेट पेरेंट्स के लिए मैं ये डिटेल्स स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ, या हमारी तरह जो बाहर रहते हैं अभी कलकत्ता में आए हैं कुछ दिनों के लिए ग्रूमिंग करना है तो आ सकते हो। सॉल्ट लेक PNB के बहुत ही पास है, उसके बाद गूगल मैप में एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। चलो थोड़ा दिखा दे ना सबको घूम के, चलिए आपको घूम के दिखा दे। Follow me, say you a good guy.
पिंक हाउस का स्टोर जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है। वी आर करेंटली इनसाइड द पिंक हाउस स्टोर एंड दिस इज अ काइंड ऑफ पैराडाइज फॉर पेट पेरेंट्स एंड पेट्स। क्या नहीं है यहाँ पे, मैंने खुद एक बार घूम के देख लिया है, भी आप लोगों के साथ एक बार शेयर करती हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सामान मिल रहा है बहुत ज़्यादा वैरायटीज हैं एंड देयर आर डिफरेंट सेक्शंस, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। हर सेक्शन में अलग अलग तरह से सब कुछ रखा गया है। तो विल टेक अ टूर एंड विल शो यू हाउ इट लुक्स। Just as Dipanjan mentioned, different segments they have, different department. एक अंदर department है जहाँ पे लेके जाने के लिए मैं बहुत excited हूँ, that's a kind of party wear segment, जहाँ पे सारे आपको झिमचक dresses मिलेगा। So this is their toy section, और उसके बाद इस section में मिल जाएगा सारे imported dresses, जहाँ पे आपको t-shirts मिल जाएगा, cute frocks मिल जाएगा, just look at this one. बर्ड केजेस है काफ़ी कलरफुल सुंदर, और यहाँ पे भी डॉग्स एंड कैट्स के लिए काफ़ी सारे टॉयज का पूरा भंडार है। दीज आर दी नॉर्मल कैजुअल टी शर्ट्स, तो हर एक रेंज के क्लोथिंग आइटम्स भी मिल जाएगा। द इम्पोर्टेड वंस आर लिटिल बिट ऑन द कॉस्टलियर साइड एंड दीज आर रीजनेबल, ये डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छा है। और क्रिसमस आ गया है तो सेंटा ड्रेसेस आर हियर, अगर लेना है तो जल्दी जल्दी आ जाइए। आई एम पूजा फ्रॉम पिंक पॉज एंड दिस इज आवर एक्सक्लूसिव कलेक्शन, दिस इज अ विंटर कलेक्शन। ये विंटर कलेक्शन ये क्या कैट्स के लिए है या फिर कैट्स एंड डॉग्स के लिए है? ओके ओके। एनी ब्रीड्स आर अवेलेबल फ्रॉम व्हिच साइज टू व्हिच साइज डू यू हैव? Any size, any breed. This is a dress for winter collection and the exclusive collection. These are most probably available. This is a fish item. I mean aquarium. Cat food. Are available. Right. This is a basket from carry cats, या फिर dogs, puppy. Aquariums है. अच्छा, सही है. कैट एक्सेसरीज है। हाँ, हाँ, हाँ। खेलते रहते ना वो लोग। दीज आर दी हिट साइकिल पैंटीज, राइट? यस। सब कुछ अवेलेबल है, ये हमें लेना पड़ेगा। और एब्जॉर्बेंट टॉवल फॉर पपीज। यहाँ पे भी सारे पी पैड्स जो हम यूज करते हैं, डायपर्स है। और ये है सारे ट्रीट का सेक्शन, जहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीट्स मिल जाएगा। फीडिंग बोल्स, बहुत सारे ट्रीट्स, कैल्शियम बोन्स, फिर फूड सप्लीमेंट्स, फीडिंग बॉटल्स। अच्छा, ये भी है वेट वाइप्स, ये सारे चीज़ जो अल्कोहल फ्री पेट वाइप्स। सो एवरीथिंग यू विल गेट अंडर वन रूफ। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस है, जो भी साइज के फीडिंग बोल्स चाहिए, लीटर ट्रेस चाहिए, सब कुछ यहाँ पे है। ये सेरेमिक बोल्स हैं, प्लास्टिक के भी मिलेगा, इतना बड़ा साइज से इतना छोटू साइज का बोल भी मिल जाएगा। अच्छा, ये है फूड सेक्शन, डॉग फूड सेक्शन। आप लोग पूछते हो वी फीड फ्लरी केयर आर दिस रॉयल कैनिन मिनी अडल्ट। ये है पेडिग्री सेक्शन, प्रो है। ये कैनाइन क्रीक है सिर्जो के लिए स्पेशली। हील्स का भी है, आयम्स के ब्रांड, ये भी सब आयम्स के ब्रांड है। बेस्ट प्रोडक्ट है रॉयल कैनिल और उसके बाद है आयम्स, तो आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं आयम्स एंड हिमालय प्रोडक्ट्स ड्राई फ्रूट्स। बेट लाइफ है, स्मार्ट हर्ट है और न्यूट्रल हर्ट है। दिस इज वन मोर एक्सक्लूसिव सेक्शन जहाँ पे बेडिंग एंड ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। शैम्पूस, कंडीशनर्स, ग्रूमिंग एड्स, ऑयल, मसाज ऑयल, परफ्यूम्स है। यस, परफ्यूम्स आर देयर। सिर्फ कॉलर है, लीज एंड कॉलर्स। हम दुकान में जो भी लोग थे सबके परमिशन लेके ही शूट कर रहे थे। वी एक्चुअली वेटेड फॉर देयर परमिशन टू कम, सो आफ्टर 5-6 लेयर्स ऑफ अप्रूवल दे सेड या यू कैन शूट एंड यू सॉ द स्टोर लेडी ओनली वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। अचानक से कहीं से उनका फिर से इंस्ट्रक्शन आया
एंड दे सेड नो यू नीड टू स्टॉप बिकॉज यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज है. तो ये कोलकाता में मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ फ्री एडवर्टाइजमेंट फॉर द ब्रांड, फॉर द स्टोर और फॉर एनी थिंग दैट वी आर शूटिंग. स्टोर पे हम बम थोड़ी लगाना है. स्टोर का भलाई तो दिखा रहे हैं कि स्टोर में क्या है क्या नहीं है, क्या अच्छा है क्या नहीं है. हम तो अपना जो जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं वही हम कैमरा से दिखा रहे थे. अब हम वहाँ पे बम तो फिट करने वाले हैं नहीं. पता नहीं लोगों को क्या होता है यहाँ पे, पता नहीं. ये थोड़ा अजीब है. कोलकाता के मॉल्स में भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस होता है. आपने सुना होगा बहुत सारे ब्लॉगर्स के पास ये, हर एक ब्लॉगर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं. एनीवेज अभी जितना हमने दिखाया आई होप आपको वहाँ से एक आइडिया मिल गया है. तो कोलकाता के पेट पेरेंट्स अगर आना चाहते हो आ सकते हो. स्टोर बहुत अच्छा है. हमें शूट नहीं करने थे इसलिए मैं किसी की बदनामी नहीं करूँगी, बट स्टोर बहुत अच्छा है. प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी सारे वराइटीज़ है. इतने सारे ड्रेसेस की वराइटीज़ मुझे कोई भी पेट स्टोर में अब तक नहीं मिला. मैं बैंगलोर में भी नहीं देखी हूँ, सच बता रही हूँ. और फिलहाल चलते हैं, यहाँ पे चल रहा है ग्रूमिंग दोनों का. एक बार जाके देख के आते हैं कि दोनों क्या कर रहे हैं. टाइम इज़ 1:00. बैठ बैठ के हम थक चुके हैं. मैं तो फिर भी कुछ देर फ़ोन पे इसके उसके साथ बात कर रही थी. बहुत टाइम से लग रहा था एक कहीं पे जाके एटलीस्ट थोड़ा सा चाय पी लूँ, बट फिर लग रहा था कि नहीं बैठ ही जाते हैं वेट करते, बट अभी और नहीं हो रहा है. और भी हाफ एन आवर चाहिए. तो देखते हैं आसपास कहीं टी शॉप्स मिलता है तो एक कूलर चाय तो बनती है. मैं थक गई हूँ, बैठ बैठ के थक गई हूँ. घर पे भी हमने सबको बोल दिया है कि खाना खा लेने के लिए, क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते 2:30 तो बच जाएगा. सॉल्ट लेक में आने के बाद पीएनबी का जो स्टॉप है, जो ज़्यादातर लोगों को पता है सेक्टर 1 में पीएनबी जो स्टॉप है उसके जस्ट राइट अपोजिट में जो बेनफिश है उसके बगल में हम खड़े हैं अभी. कुछ खाने का है कि कुछ पीने का है पता नहीं क्या है. मुझे तो एक्चुअली भूख भी लगा है और प्यास भी लगी है, तो पता नहीं अब खाना मिलेगा कि चाय मिलेगी कि क्या होगा. अभी सिरिपा बाहर गई है और वो मेनू कार्ड चेक कर रही है, पता नहीं क्या खाने का मूड है. उसको दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाइए. क्या खाना है? मैं बोल रही थी छोटा छोटा फिश चॉप, 6 पीस का एक प्लेट. हाँ. और भैया बोल रहे हैं कि उसमें उतना फिश समझ में नहीं आएगा. अच्छा. फिंगर ले लो. ओके. 6 का प्लेट आएगा. हाँ. पर तुम बोलती हो तो 4 पीसेस ऐसे कर देता हूँ. 6 पीस 120, 4 पीस 80 का ले लो. हाँ, क्योंकि 6 पीस अभी क्या करेंगे. हाँ. 80 का ले लो. पैसा दो. पैसा भी मैं दूँ? हाँ. ये लो, पैसा भी मैंने ही दिया. चाय वहाँ से लेना पड़ेगा. चाय ले लो ना. बात यह है कि मेरे को ना निकलने का मन नहीं है, तो मैंने उसको समझा दिया कि एक बंदा निकला है वही जाके लेके आ रहा है सब, उससे अच्छा रहेगा ना. दो लाओ. अरे सही है, परोस रही है मुझे आज. इसमें सब हो गया? 100 रुपये में सब हो गया? हाँ, सही. 100 रुपये में. हाँ. चाय. हाँ. और भेटकी का फिश फिंगर. अच्छा, भेटकी का है क्या वो? हाँ. सच में? मैंने पूछा. अब झूठ. अच्छा. बोला है तो मुझे नहीं पता. नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं. खाके पता चल जाएगा. बनाते हैं वो, बनाते हैं. अच्छा? और ये भी अंकल से मैं प्लेट मांग मांग के लाई हूँ. 5 बार पूछे कार कहाँ पे है. हुँ. कार कहाँ पे है. मैंने बोला यहाँ पे. कौन से अंकल? चाय वाले अंकल. मैंने बोला थोड़ा प्लेट दे दो, मैं कार तक लेके जाऊंगी. ठीक है, थैंक यू. समझाया तुमको कि एक बंदा बाहर जा रहा है वो ही ले आए सब कुछ. एक्चुअली मैं ही तो ये काम करती हूँ हमेशा. ऐसा कुछ हमेशा मैं ही जाके लोगों से बात करना, ये सब पूछना, ये सब काम तुम मुझसे ही करवाते हो. नहीं, नहीं. लोगों के साथ बार्गेनिंग करना. ये क्या, ये क्या झूठ झूठ. ये सब काम दीपांजन मुझसे ही करवाता है. झूठ मूठ करा बात करके आओ. वहाँ पे भी कुछ था. वेज डिलाइट. वेज डिलाइट कौन खाएगा अभी? घर जाकर तो हिलसा ठूसने वाले हो. जब भी वेज नहीं खाओगे. जब खाना है तो ठीक से ही खाएंगे ना. वो देर वेज खाएगा ही नहीं मतलब. और आप लोग क्या क्या रिकमेंडेशन देते हो. रावा इडली बनाओ, साबू के ये बनाओ, वो बनाओ. कौन किसके लिए? ये आ गया है फिश फिंगर. वी आर सच सीनफुल पेरेंट्स. सीनफुल? व्हाई सीनफुल? बच्चे वहाँ कर रहे हैं ग्रूमिंग और हम यहाँ पे दबा रहे हैं. सलाद मत खाना ठीक है. वेट किया है कम है पर वेट किया. क्यों क्यों? क्यों क्यों इज रेडी आफ्टर ग्रूमिंग? क्यों 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 क्यों? हाँ, क्यों क्योंकि हमने इतना बाल रखे कि एक छोटा छोटा पोनी बन जाए बर्थडे पे. फ्लारू? फ्लारू? फ्लारू भी रेडी है. अच्छा अच्छा ओके ओके.
अभी रेस्टलेस, अभी घर जाना है। हाँ, टी शर्ट दिखा, ये है डैडी के टी शर्ट के हालत। डैडी आज एकदम डार्क कलर के टी शर्ट पहन के फ्लारू एंड क्यू क्यू। तो फिलहाल कार के सीट में भी हमने टॉवल रख दिया है ताकि इतना ज़्यादा बाल ना झड़े, ठीक है। चलो घर चलते, टाइम हो गया है 1:40, घर पहुँचते पहुँचते कम से कम 45 मिनट तो लगेगा। घर पे हम क्या करते हैं, ट्रिमिंग के बाद शावर देते हैं, तो जो भी बॉडी में लूज हेयर रहता है वो फिर वहीं पे क्लीन हो जाता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे हर एक स्पा में पहले शावर देते हैं फिर ट्रिमिंग करते हैं। तो फ्लरी कियारा दे आर सुपर टायर्ड, एंशियस भी होते हैं ना जब हम छोड़ के आते हैं, इतने टाइम देख नहीं पाते हैं, तो वो थोड़ा सा मेंटली भी ड्रेन हो जाते हैं। तो ग्रूमिंग जिस दिन होता है उस दिन और उसके नेक्स्ट वाले डे दोनों एकदम शांत रहते हैं, खेलते कम है, थोड़ा टायर्ड रहता है, ये नॉर्मल है, ये बैंगलोर में भी होता है। और हमारा एक्सपीरियंस कलकत्ता में ग्रूमिंग का कैसा था अगर मैं बताऊँ तो ऑफकोर्स बैंगलोर के साथ तो थोड़ा कंपेयर करूँगी क्योंकि शुरू से बैंगलोर में करवाई हूँ, तो वो कंपेरिजन आ ही जाएगा। मैं लूज़ हेयर के बारे में बोल रही थी, ऐसा सिचुएशन नहीं होता है, लूज हेयर्स रहते हैं वंस दे आर ग्रूम्ड, दे आर ट्रिम्ड, देन लूज हेयर अच्छे से क्लीन करते हैं ब्लोअर के थ्रू और उससे बहुत ही कम ये मेस होता है। और नेक्स्ट जो चीज़ कहूँगी क्लीनिंग के बारे में, मैंने जितना देखा है क्लीनिंग अच्छे से हुआ है, नेल क्लिपिंग, ईयर क्लीनिंग्स एकदम साफ तरीके से हुआ है, फार भी उतना ही सॉफ्ट है जितना बैंगलोर में रहता है ग्रूमिंग के बाद। अगर हेयर कट के बारे में बात कहूँ तो प्रिसीशन थोड़ा सा कम है, जो वरुण करता है वरुण के हाथ में जादू है हेयर ट्रिमिंग के मामले में, वो जब कट करता है ना वो हेयर इतना सुंदर बैठता है वो मैंने और कहीं पर नहीं देखा है, जितने भी जगह पर मैं दोनों को लेके गई हूँ, यहाँ पे भी वो प्रिसीशन का कमी मुझे दिखा हेयर कट में। एक चीज मैं बताना चाहूंगा व्हिच इज एनीवे बिट ऑफ अ कॉस्मेटिक थिंग, बट नॉर्मली ग्रूमिंग के बाद जैसे कि फीमेल है या मेल है जैसे भी डॉग्स हैं उनको थोड़ा सा सजा के एक बो दे के कुछ क्लिप लगा के कुछ करके देते हैं, बट वो मैंने यहाँ पे नहीं देखा, आई डोंट नो व्हाई, बट जहाँ पे भी हमने ग्रूमिंग में लेके गए हैं कुछ ना कुछ तो करते ही है। एज अ फील गुड फैक्टर जब ग्रूमिंग करके आते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा वो, यहाँ पे छोटा सा वो बहुत क्यूट लगता है, बैंगलोर में वो हर जगह पे करते। अब लास्टली जिसके बारे में बात करूंगी दैट इज द कॉस्टिंग। तो बैंगलोर में वी वेंट टू शेवर्स तो हम रेगुलरली जाते हैं एंड वंस वी वेंट टू हेड्स अप फॉर टेल्स, बट यहाँ पे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। सेम सर्विस के लिए मैक्सिमम वी पे 2800 पर हेड इन बैंगलोर, बट यहाँ पे वही सेम सर्विस, एकदम सेम सर्विस, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, उसके लिए वी पेड 3000 रुपीस पर हेड। तो यहाँ पे हमने क्लीनिंग का पैकेज लिया था और एक हेयर कटिंग का, हेयर कटिंग में स्पा बाथ इंक्लूडेड था, और एक टोटल पैकेज भी होता है जिसको बोलते हैं स्पा पैकेज, जिसमें क्लीनिंग, ट्रिमिंग, बेडिंग सब कुछ इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे हमें 6100 कुछ पड़ा दोनों का टोटल, और अगर मैं पैकेज लेती पूरा स्पा पैकेज तो भी मुझे वही 6100 या 200 ही पड़ता, प्राइस यहाँ पे ज़्यादा लगा जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। कोट के लेंथ के हिसाब से भी ग्रूमिंग का कॉस्टिंग होता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। दोनों का ही कोट ऑलरेडी शॉर्ट था तो उसके हिसाब से 3000 रुपीस पर हेड वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, बट हो सकता है कि यहाँ पे वही कॉस्ट है, वही चार्जेस है। एक्चुअली इसमें मैं सिर्फ स्टोर का दोष नहीं दूंगी, जहाँ पे जो सर्विस जितना नीश है वहाँ पे वो उतना ही एक्सपेंसिव होता है। बैंगलोर में आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल गो फॉर ग्रूमिंग, पेट कैफेज, पीपल विजिट दिस प्लेसेस, पीपल अवेल दिस सर्विसेज, सो वहाँ पे ये सर्विसेज इसलिए हो सकता है यहाँ से थोड़ा ज़्यादा अफोर्डेबल है, बट यहाँ पे आई थिंक दिस सर्विसेज आर रियली रियली नीश टिल डेट। बहुत कम लोग ग्रूमिंग के लिए या पेट्स को लेके घूमने के लिए या कैफे में जाते हैं, पूरे शहर में शायद दो पेट फ्रेंडली कैफे है, तो इन सब चीज़ों को लेके ही शायद ये कॉस्टिंग, ये प्राइस सब कुछ डिसाइड होता है। तो इसमें सिर्फ ब्रांड का या दुकान का दोष नहीं दूंगी, हम पेट पेरेंट्स को भी जानना पड़ेगा कि क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है और हमें भी थोड़ा अवेल करना पड़ेगा उसका, है ना। तब जाके चीज़ें, हाँ तब जाके चीज़ें थोड़ा अफोर्डेबल बनेगा सबके लिए। यही था हमारा एक्सपीरियंस, और इस वीडियो को भी यहाँ पे एंड करती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। मैं इससे पहले बैंगलोर में उनका पूरा ग्रूमिंग का
बिगिनिंग टू एंड एक वीडियो शूट की थी स्पा के अंदर, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हो। यहाँ पे तो मैंने जैसे कहा शूटिंग अलाउड नहीं था, नहीं तो मैं ज़रूर शेयर करती। तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट इट। सो टेक केयर, क्रिसमस अच्छे से बिताना, मेरी क्रिसमस इन एडवांस। पता नहीं ये वीडियो जिस दिन जा रहे हैं, या आई थिंक आज ही क्रिसमस है ना, हाँ ये कल ही तो जा रहे हैं, तो मेरी क्रिसमस गाइज, मेरी क्रिसमस एवरीवन, हैव अ वेरी वंडरफुल ईयर अहेड। और जितना भी टाइम सबको छुट्टी मिल रहा है, छुट्टी में थोड़ा एंजॉय करो, बहुत सारे केक खाओ, बाय।